हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता विकल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम एसआरके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद। इससे पिछले वीडियो में हमने फैमिली मालवेसी को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके सभी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द फैमिली मालवेसी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मालवेसी, ये फैमिली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनसे हमें फाइबर्स प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है, वेजिटेबल्स प्राप्त होते हैं और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट है वो है गॉसिपियम। गॉसिपियम के कई सारे स्पीशीज से हमें फाइबर मिलते हैं। इनकी जो सीड्स है, सीड्स पे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है एपिडर्मल हेयर्स। ये हेयर सेलुलोज के बने होते हैं। इससे जो रेशा हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम कॉटन वूल भी कहते हैं, रुई जिसे हम कॉमनली नाम से जानते हैं। इन रेशों को, ये जो हेयर्स जो हैं एपिडर्मल हेयर्स हैं, इनको सीधा करके मोर ट्विस्ट करके एक लंबा रेशा बनाया जाता है। ये प्लांट्स जनरली ह्यूमिड रीजन्स में ग्रो करते हैं, मीन जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। जनरली ब्लैक सॉइल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है। इसी में आगे और भी स्पीशीज है गॉसिपियम की, जिनसे हमें अलग अलग तरह के कॉटन प्राप्त होते हैं। जैसे कि गॉसिपियम पेरुवियानम जो है, जिससे इजिप्शियन कॉटन प्राप्त होती है, उसकी जो रेशे की जो लंबाई है वो 4.7x8 सेंटीमीटर्स है। इसी तरह से गॉसिपियम बारबाडेंस है, जिससे सी इनलैंड कॉटन प्राप्त होती है, इससे इसकी जो रेशे की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर्स है। गॉसिपियम हिर्सुटम, जिसे कि अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका की नेटिव स्पीशीज है, और इससे जो कॉटन प्राप्त होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन या रेशा हमें मिलता है। गॉसिपियम के दो स्पीशीज हमारे इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं, वो है गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम आर्बोरियम। गॉसिपियम आर्बोरियम को कॉटन ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्मॉल ट्री के फॉर्म में होता है। इससे गॉसिपियम हर्बेशियम से जो रेशा हमें प्राप्त होता है उसकी जो लंबाई है वो 1.7x8 सेंटीमीटर्स होती है। दूसरी स्पीशीज जो हैं इस फैमिली के, जिनसे भी हमें कई रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस कैनाबिनस, जिसे पटसन कहा जाता है, इससे इसकी स्टेम से हमें फाइबर प्राप्त होता है। इन फाइबर से रोप यानी कि रस्सी, डोरियाँ, जो मोटे कैनवास, बोरे, फ्लोर मैटिंग यानी कि चटाई आदि बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको जूट के सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज किया जाता है। अदर स्पीशीज है हिबिस्कस सेबडरिफा, जिसे पटवा कहा जाता है, इससे सिल्की ब्राउन फाइबर ऑब्टेन होता है जो कि काफी स्ट्रांग है। ये भी स्टेम से ही प्राप्त किया जाता है। इसको भी टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में जूट के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। हिबिस्कस की एक और स्पीशीज है हिबिस्कस टीलियासियस, जिससे मजंगा फाइबर प्राप्त होता है। अदर स्पीशीज हैं इस फैमिली की, जैसे कि एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, जिसे हम भिंडी कहते हैं, उससे जो फाइबर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है ओकरा फाइबर। एबिटुलोन थियोफ्रास्टा से भी फाइबर प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है चाइना जूट, क्योंकि ये चाइना में बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है। और ये जो इस फाइबर की क्वालिटी ये है कि ये डाई को बहुत ही क्विकली ले लेता है, मीन्स इसमें डाई बहुत ही जल्दी से चढ़ जाती है, और ये जनरली कालीन या फिर गलीचा आदि बनाने में यूज किए जाते हैं। एक और स्पीशीज है यूरिना लोबाटा, जो कि वीट की तरह ग्रो करती है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। इससे हमें येलोइश कलर का फाइबर प्राप्त होता है, जिसकी जो क्षमता है, मीन्स ये जूट से ज़्यादा लंबे समय तक टिका रह सकता है या जूट से ज़्यादा ये ड्यूरेबल है। इसको जूट के सब्स्टिट्यूट की तरह ही इसीलिए यूज किया जाता है। ब्राज़ील में इस रेशे से कॉफी के बोरे बनाए जाते हैं। मेलेक्रा कैपिटाटा, इससे हमें सिल्की फाइबर प्राप्त होता है जो कि जूट के समान ही होता है, और इसको जूट के सब्स्टिट्यूट की तरह ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, मीन्स वे पादप जिनसे तेल प्राप्त होता है। गॉसिपियम की स्पीशीज से रेशे तो प्राप्त होते ही है, कॉटन तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा इनके बीजों से तेल भी प्राप्त होता है, जो कि जिसे कॉटन सीड ऑयल कहा जाता है, और ये एडिबल होता है यानी खाने योग्य होता है। इसी ऑयल को सोप आदि बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है।
सीड से ऑयल निकालने के बाद जो खली बच जाती है, जिसे हम ऑयल केक कहते हैं, ये पशुओं के आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है, तो ये पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसी रेजिड्यू को वॉशिंग पाउडर में, ऑयल क्लोथ, आर्टिफिशियल लेदर, नाइट्रोग्लिसरिन आदि की सामग्री तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और स्पीशीज है हिबिस्कस कैनाबिनस। इनके बीजों से जो ऑयल फैट प्राप्त हो रहा है, उसे फूड में, वार्निश में या कलर सामग्री आदि तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल्स, इस फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे हमें सब्जियां या कुछ खाने योग्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है एपल मस्कस एस्कुलेंटस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भिंडी, या इंग्लिश में कहते हैं हम लेडीज फिंगर। इसके इस प्लांट से जो फ्रूट्स प्राप्त होते हैं वो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। भिंडी सभी को पसंद आती है। इसी के अलावा और भी प्लांट्स हैं, हिबिस्कस की स्पीशीज है हिबिस्कस साइरियाकस। इसकी जो पुष्प कलिकाएं हैं ये खाने योग्य होती हैं। इसी तरह से हिबिस्कस कैनाबिनस की जो पत्तियां हैं उससे चटनी बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हिबिस्कस सैबडारिफा जो है, इसकी जो फ्लैशी एपिकैलिक्स जो है, मीन्स अनुबाह्य दल जो काफ़ी गूदेदार होती है, उसको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी से जैम, जेली, चटनी या कोल्ड ड्रिंक्स भी तैयार किए जाते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, इसके पुष्पों को कच्चा भी खाया जाता है या फिर इसको इससे अचार बना करके भी खाया जाता है। मोस्टली इसे चाइना में यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सजावटी पादप, इस फैमिली की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हम सजावट के रूप में गार्डन में या अपने घरों में लगाते हैं। सबसे कॉमन प्लांट है गुड़हल का, जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसे शू फ्लावर भी कहा जाता है। इसके पुष्पों को हम देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से एक और प्लांट है अल्थिया रोजिया, ये भी गार्डन में काफ़ी लगाया जाता है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स लगते हैं जो कि काफ़ी मनमोहक होते हैं। इसी प्रकार से और भी स्पीशीज हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंटल्स की तरह गार्डन में लगाते हैं, जैसे कि मालवा सिल्वेस्ट्रिस, जिसे गुलखेर कहा जाता है, काइडिया कैलिसिना, पेवोनिया और डोरेटा, ये कुछ स्पीशीज है जिन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में गार्डन्स में या अपने घरों में लगाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पादप, इस फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो औषधीय रूप से काफ़ी उपयोगी हैं, जैसे कि यूरिना रिपांडा और यूरिना लोबाटा। इसकी छाल और जड़ें जो हैं हाइड्रोफोबिया के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। एबिटिलोन इंडिकम, जिसे कांगी कहा जाता है, ये एक जंगली पादप है। इस पादप के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स जो है मेडिसिनली काफ़ी यूजफुल हैं। इसकी पत्तियां स्टोन्स यानी कि पथरी में और गोनोरिया यानी कि सूजाक में बहुत ही यूजफुल है। मेलाक्रा कैपिटाटा, इसकी जड़ें आर्थराइटिस यानी कि गठिया और लम्बैगो यानी कि कमर दर्द में काफ़ी यूजफुल है। मालवा वर्टिसिलाटा, इसकी जड़ें काली खांसी के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी पत्तियों की, सूखी पत्तियों की जो भस्म है उसे स्कैबिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मालवा सिल्वेस्ट्रिस, इसकी पत्तियां, जड़ें और बीज जो है रेस्पिरेटरी पैड की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ ये यूरिनल डिजीज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, और इन पत्तियों का जो लेप है वो कहीं स्वेलिंग है तो वहाँ पर अप्लाई करके उसे क्योर किया जा सकता है। मालवा पार्विफ्लोरा, जिसे पानीरक कहा जाता है, इसके बीज खांसी और यूरिनल अल्सर्स में बहुत ही इफेक्टिव हैं। साइडा कॉर्डिफोलिया यानी कि कुंगी, इसकी जड़ों की छाल तिल के तेल व दूध के साथ देने से चेहरे के लकवे यानी कि फेशियल पैरालिसिस में और सियाटिका में, इसका पाउडर दूध और शक्कर के साथ देने से श्वेत प्रदर में, जड़ों का रस घाव भरने के लिए और बीज पेट दर्द के उपचार में काफ़ी उपयोगी होते हैं। साइडा एक्यूटा, जिसे हम बुरियेरा कह रहे हैं, इसकी जड़ों से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और यूरिनल डिजीजेस और रक्त विकार यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स और पित्त संबंधी रोगों की दवा बनाई जाती है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसके फ्लावर्स को शांतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन स्मूदनिंग में ये काम आती है, मेंस्ट्रुअल डिजीजेस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसी तरह से ब्रोंकियल कैट्रा में की मेडिसिन तैयार करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लीव से रेचक तैयार किया जाता है, यानी कि ये इसकी पत्तियां जो है एज अ रेचक के रूप में भी यूजफुल है।
एबिलमॉस्कस मॉस्केटस जिसे हम मुश्क दाना कह रहे हैं, इससे वुलन्स को इंसेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सिटोनिक भी तैयार की जाती है, इससे स्टमक एक के लिए, हिस्टीरिया के लिए, नर्वस सिस्टम डिजीजेस या इचिंग की दवाइयों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। एबिलमॉस्कस एस्कुलेंटस यानी कि भिंडी, इसके श्लेष्मा को प्लाज्मा रीइंस्टेटमेंट या ब्लड वॉल्यूम एडिशन की जो सामग्री तैयार की जाती है उसमें भिंडी के म्यूसिलेज को यूज किया जाता है। अदर यूजेस यानी कि अन्य उपयोग, हिबिस्कस इलेटस, इससे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर और रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं। अल्थिया रोजिया वैरायटी नाइग्रा, इस स्पीशीज के पुष्प को यूरोप में वाइन को कलर देने की सामग्री के रूप में काम लिया जाता है। इसी तरह से कुछ शरबतों में भी इसके पुष्पों को यूज किया जाता है। पेवोनिया ऑडोरेटा, इसकी जड़ों से इत्र प्राप्त किया जाता है। एबिलमॉस्कस मॉस्केटस, इसके खुशबूदार बीज जो है कस्तूरी के समान इसके बीजों से खुशबू आती है, इसलिए इसके बीजों को कन्फेक्शनरीज में और बीटल्स में यानी कि पान में इस्तेमाल किया जाता है। काइडिया कैलिसिना, इसकी लकड़ी से मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीली, माचिस उद्योग में, पेंसिल इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि कृषि यंत्र बनाने के काम आती है। इसी तरह से इसकी जो बाक है यानी कि जो छाल है उसको शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है गन्ने के रस को साफ करने के लिए। तो ये सारे हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। फर्दर रीडिंग के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स बाय कपूर गाड़ी एंड विकल, हिमांशु पब्लिकेशंस, उदयपुर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।